और यार ये वाला होल किसने बंद कर दिया है? दोस्तों काफी वीडियो पहले मैंने आपको दिखाया था ना कि पेट्रोल पंप के पीछे हमारे टाउन में यहाँ पे कैट ने बेबी दिए हुए थे, तो वो होल ही बंद किया हुआ है। मुझे लग रहा है इन पेट्रोल पंप वालों का काम है, यहाँ से सफाई वगैरह करते हैं और जो कचरा वगैरह होता है यहाँ पे फेंक देते हैं। ये भी गिरा हुआ है और ये होल के सामने गिरा हुआ है। यहाँ से तो कैट को अंदर आने का बाहर जाने का मसला होता होगा। मैंने कैट के बेबी देखे थे, काफी बड़े हो गए, 4-5 थे। हमारे पेट हाउस के इर्द गिर्द भी घूमते रहते हैं। एक उनकी बड़ी मम्मा है, वो यार इधर ही रहते थे पीछे ना टिटू। हम चारा लेके जा रहे थे, मेरी एकदम इधर नजर पड़ी है, मैंने देखा होल ही बंद था। अब हम इस कचरे को हटा देते हैं, होल को खुला कर देते हैं। पता नहीं इसमें अब रह रहे हैं कि नहीं, मैंने काफी दिन हो गया देखा नहीं है। तो ये पंप वाले भाई को कह के भी आते हैं इधर कचरा ना फेंका करे। तो ये मैं पहले होल को खोल लूं बाहर, मेरे पास कोई कस्सी वगैरह भी नहीं है जिससे ना साइड पे कर सको। चलो जी इधर टिटू, ये चारा लेके पेट हाउस में चल। मैं अभी पेट्रोल पंप वाले भाई को कह के आता हूँ कि यहाँ पे कचरा ना फेंका करे। अस्सलाम वालेकुम भैया, सफाई कौन करता है इधर की? वो सामने वाला भाई, सफाई आप करते हैं? वहाँ पे बिल्ली ना एक होल बनाया, वहाँ पे बच्चे वगैरह दिए हुए हैं, कूड़ा कहीं और कचरा फेंका करे उसके ऊपर आ गया था, वो बंद हो गया था होल, तो वो कॉर्नर पे देखा होगा आपने, तो वहाँ पे ना फेंका करे, थोड़ा सा साइड पे फेंक दिया करे। ठीक है, मैंने अब हटा दिया है, तो अब ना हो वहाँ पे। टीटू ने चारा यहाँ पे रख दिया। और टीटू कहाँ पे है? ओए टीटू, कौन सा बेबी मिला? छोटा सा यार, कहीं फीमेल रैबिट्स ने बेबी तो नहीं दे दिए? कितना छोटा था? कहाँ पे है? गया। अभी हम देख लेते हैं, अगर काफी छोटा हुआ ना तो इसका मतलब यही होगा कि फीमेल रैबिट्स ने बेबी दे दी है। यहाँ पे बैठी तो हुई है और यहीं पे देखा था। हाँ। सच्ची? इसको मैं फिर साइड पे हटा के देख लेता हूँ। साइड पे आना यार, आप भी साइड पे आना, एक मिनट दिखाओ तो सही। अंदर काफी ज्यादा रैबिट्स हैं और उनके बड़े वाले बेबी हैं, छोटे वाले मैंने देखे हैं। साइड भी तो जो यार, तेरी यार आगे जाई जा रहे हैं। ओए टीटू सच्ची में देखा था? ये मजाक कर रहा है मेरे साथ? नहीं। इसको क्यों पकड़ा भाई, इसको तो छोड़। यार मुझे यकीन नहीं हो रहा टीटू पे, इनको बाहर निकालता हूँ यार। बाहर आ जाओ। आ गया आ गया, ये आ गया, वो भी गया। चलो आप भी एक मिनट बाहर आना। ये तो हमारे बड़े वाले बेबी हैं ना छड़ी। इधर तो कोई भी नहीं है टीटू, झूठ बोल रहा था? नहीं, वो गया। ओ यार बड़ा वाला बेबी गया था यार, मुझे लग रहा है उसी की बात कर रहा है ये। दोस्तों एक तो मुझे टीटू ही पागल बनाता रहता है, सारे कपड़े गंदे कर दिए। वैसे भी हम बैठा उसमें काम कर रहे हैं, रफ कपड़े हैं। चलो बाहर निकल। दोस्तों जब से हमने ये दोनों केज तोड़े हैं, हमारे पेट थोड़ा सा उदास हैं, उनको पता नहीं चल रहा कि हमने रहना क्या है। रात को बड़ी मुश्किल से मैंने इन केज में इनको बंद किया है और हमारी जो नोबिता और शुजुका थी ना वो इस वाले कमरे में गया है। रात भी इन्होंने इधर ही गुजारी थी। इसके नीचे होंगे, ये फिर रहे हैं यार। बाहर आ जाओ, आपको खाना वगैरह देता हूँ। ओ क्या बात है यार, ये अंडा यार, मुझे लग रहा है हमारी शुजुका ने एक और अंडा दे दिया, क्योंकि इस कमरे में नोबिता और शुजुका बंद थी और अंडा यहीं पड़ा हुआ है, मतलब नोबिता और शुजुका ने अंडा दे दिया। और टीटू क्या कर रहा है इधर आया? गिर जाएगा कबूतर। कहाँ पे? ओ तेरी, उसे इसके काम चेक कर लें। कबूतर कहाँ फंसा दिया है वो देखे, वो सामने बैठा हुआ। और चुप हो जा, पता नहीं क्या अरबी बोली जा रहा है। और यार आज हमने ना काम बहुत ज्यादा करने हैं और तू ना अपने घर चला जा मेहरबानी। यार इसको बाहर कैसे निकालना है, तारे भी काफी तेज हैं, इसको तारे भी ना लग जाए। मुझे नीचे जाना पड़ेगा। दोस्तों यार मैं नीचे घर में भी आ गया हूँ, फिर भी मेरा हाथ नहीं पहुंच रहा, काफी ऊंचा बैठा हुआ है। इसको ना आराम से पीछे से थोड़ा सा छेड़ता हूँ ताकि नीचे की तरफ फ्लाई करे। आ जा नीचे आ जा यार, इसके पर कट किए हैं, ऊपर भी फ्लाई नहीं कर सकता। कहाँ जा रहे हो? गुड, अब नहीं जाना, चल अंदर। दरवाजा नो खुला, मुझे लग रहा है केज बनाने वाले भाई आ गए। हाँ वही आए हैं, अभी आ रहा है। एक मिनट। अस्सलाम वालेकुम, बड़ी लेट कर दी आने में आपने। आज तो सर आ गए, अब आप आ गए हैं ना, आपकी खिदमत करने आ गया मैं। चले अब आप आ गए ना, जब तक केज नहीं बनेगा ना मैं आपको नीचे नहीं आने दूंगा। अभी मैश करके, हाँ जी बताते हैं, सामान ले आओ और शुरू कर देते हैं, अभी शुरू कर देते हैं। ठीक हो गया, चैलेंज हो गया। फिर मैं अभी सामान लेके आता हूँ और आपने आज ही अभी बनाना केज, ठीक है ना? दोस्तों अंकल आ चुके हैं हमारा केज बनाने के लिए, अभी तो फरमाइश करेंगे, तो इनको मैंने चैलेंज का लालच दिया है, तो इंशाल्लाह हमारा केज जल्दी जल्दी बना लेंगे। चला जाएं ऊपर आ जाएं। तो ये फरमाइश वगैरह कर रहे हैं। दोस्तों ये भाई लोगों ने सामान वगैरह लिख दिया है, अभी हम मार्केट चलते हैं, वहाँ से सामान लेके आते हैं और फिर मैं इनको बुला लूंगा कि मैं सामान ले आऊं, जल्दी से आके केज बनाते हैं, ठीक है ना? अस्सलाम वालेकुम अंकल जी, ये पर्ची है, हमें मास्टर केज के लिए ना सामान निकाल दें और 5 मिनट के अंदर निकाल के दें, हमें लेट हो रही है।
हो गया जी सामान? हाँ जी हो गया जी। चले पता है ना हमारा बेटा उसका। बिल्कुल ओके हो गया, पहुंच जाए फिर मैं अभी आ रहा हूँ जी। बिल दे देंगे, मैं जमा करवा दूंगा। चल यार चले, ये सामान वाला पहुँच रहा है, जल्दी चल। हमारे आने से पहले ही पहुँचे जी, कोई मसला वगैरह तो नहीं होगा ना? नहीं चले ठीक है। दोस्तों ये हमारे केज का सामान आ चुका है और भाई भी आ चुके हैं ये अपना सामान लेके वेल्डिंग वगैरह का। अब ये मास्टर केज बनाना स्टार्ट करने लगे हैं। सफाई सुई तक काम लगे सारे जगह, सफाई कर से काम शुरू कर दिया। सफाई यार बार बार मुझे ना सफाई का कह रहे हैं यार, मैं अकेला बंदा हूँ, हो भी काम चोर मेरे से हो नहीं रही यार। बड़ी मैंने मेहनत की है, बड़ी मुश्किल से यहाँ पे जो ईंटें पड़ी हुई थी ना वो उठा के मैंने वहाँ पे रखी हैं। अब मट्टी वगैरह पड़ी हुई कुछ नहीं होता यार, आपने एक साइड पे ही काम करना है। ज्यादा जो गंद हुआ है ना ये जो रैपर वगैरह पड़े हैं, क्योंकि जब हमने केज बनाया हुआ था ना ये उसके ऊपर दिया हुआ था, तो हम इसको आग लगा देते हैं तो बाकी मिट्टी वगैरह रह जाएगी, बच जाएगी, उसको मैं एक साइड पे रख दूंगा। वहां से सारा मैंने रैपर वगैरह गंद जो पड़ा हुआ था ना वो मैंने उठा के यहाँ पे जमा कर दिया है और इन बच्चों को भी लगा दिया। ये वहाँ पे शादी पे आए हैं, मैंने कहा आप भी काम करो यार, जल्दी जल्दी ले आओ यार, हम इसको आग लगाते हैं। आग लगाने से काफी जो सफाई वगैरह होती है ना कवर हो जाती है और मजा भी काफी आता है आग लगाने में। सारे रैपर वगैरह हमने यहाँ पे जमा कर दिए और ये मेरे पास पेट्रोल है आग लगाने के लिए। दोस्तों हमने आग तो लगा दी है, कुछ हमारे पेट हाउस की सफाई हो गई है, बस मिट्टी रह गई है वो हम कवर कर रहे हैं। दोस्तों बड़ी मुश्किल से हमने आग वगैरह लगाई है, वो मिट्टी सारी उठा ली है, पेट हाउस की सफाई कर दी है। मैं काफी थक गया हूँ क्योंकि मैं अकेला काम करने वाला हूँ। भाई कह रहे हैं हमने काम स्टार्ट करना, सारे पेट्स को ना केज में बंद कर दो। सबको मैंने बंद कर दिया है, सिर्फ जोधा तंग कर रही है, वो हमसायों के घर चली गई है। इधर आ जाओ जोधा। अकबर को तो मैंने बंद कर दिया, वो केज में चला गया है और जोधा नहीं आ रही, ना ही मेरी बात मान रही है। जोधा इधर आ जाओ यार, कब से भाई लोग वेट कर रहे हैं, इनको देर हो रही है और वो जोधा तंग कर रही है। मैंने अब डिसाइड किया ये इतना बड़ा डंडा है ना जोधा के पास करूंगा ना ये खुद ही नीचे आ जाएगी, तो मेरे भी हाथ काले हो जाएंगे इसको हाथ लगाने से, तो कर लेते हैं कोई बात नहीं। पीछे हो जाओ यार। अब तो जोधा तुम आओगी ना, मुझे लग रहा अप्लाई करेगी। तेरी खैर, ओए 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 जोधा कहां जा रही हो? आ गई आ गई वापस। दोस्तों इतनी मुश्किल से मैंने जोधा को केज में बंद किया है और अकबर बाहर आ गया है। ये वाला केज का पता नहीं दरवाजा किस तरह खुल गया है और अकबर बाहर आ गया है। इसको मैं बंद कर देता हूँ, अकबर को अंदर करते हैं। चलो जी इधर आओ यार अकबर, पिजन तो ऊपर फ्लाई कर जाएंगे, ये पिजन फिर रहे हैं। चलो यार तुम भी ऊपर जाओ, आपने तंग नहीं करना, डायरेक्ट केज के अंदर चला जाए। चुप करके जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है। गुड यार अकबर समझदार है। चलो जी तो आज का व्लॉग हम यहाँ पे एंड करते हैं, इंशाल्लाह कल नेक्स्ट व्लॉग में ये केज बना होगा ना, बनाना चाहिए यार, कल फ्राइडे है लेकिन आपने छुट्टी नहीं करनी यार, मुझे डर रहा है कल फ्राइडे है ये छुट्टी ना कर लें नहीं तो हमारा केज एक दिन के लिए फिर रह जाएगा। तो इंशाल्लाह फुल कोशिश करेंगे कल हमारा केज फाइनल कर दें। तो मिलते हैं कल इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में, अल्लाह हाफिज़।